बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट इस चैप्टर में हम सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है हमारे सिस्टम यूनिट में कहाँ रिजाइड कर रहा है और उसकी वर्किंग क्या है सो so, हम सबसे पहले अपने जो इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं तो इसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे डिफ्रेंशिएट अमंग वेरी स्टाइल्स ऑफ सिस्टम यूनिट ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई चिप्स अडेप्टर कार्ड्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थर्ड वन इज़

Various personal computer processor on the market today and describe the ways the processor are cooled. Next thing is define a bit and describe how a series of bit represent the data. अगर आप अपने computer system को देखें तो उसमें over all जो data है वो bits पर depend कर रहा होता है और उस तरह से हम देखेंगे कि bits मिलकर किस तरह से हमारे over all data को present कर रही है। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र इन एंड आउट ऑफ मेमोरी किस तरह से हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है हमारी मेमोरी में आ रही हैं और वहाँ से ट्रांसफर बैक हो रही है क्योंकि आप कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं तो वो किस तरह से हमारी जो है मेमोरी में रिजाइड करती है और वहाँ से मेमोरी के थ्रू जो है उसको प्रोसेस करके वापस जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको शो किया जा रहा होता है नेक्स्ट इज़ डिफरेंशिएट अमंग द वेरियस टाइप ऑफ मेमरी हमारे पास जो मेमरी है उनकी कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं डिस्क्राइब द परपज एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड्स तो किस तरह से जो है डिफ्रेंशिएट उनको करना है कि कौन कौन से स्लॉट्स हैं और वो किस किस परपज़ के लिए यूज़ हो रही है यानी कि कुछ जो है रि, रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जो है आप अपने फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो वो उसके लिए आप कौन सा स्लोट यूज़ करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन पोर्ट एंड कनेक्टर एंड एक्सप्लेन द अमंग द यू एस पी पोर्ट फायर ब्लूटूथ पोर्ट एस सी एस आई पोर्ट ई एस ए टी ए पोर्ट आई आर डी ए पोर्ट सीरियल पोर्ट एंड एम आई टी आई पोर्ट दैन नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बसिस इन कंप्यूटर एक्सप्लेन द परपज ऑफ पावर सप्लाई एंड डिस्क्राइब हाउ इट कीप्स कूल अंडरस्टैंड हाउ टू क्लीन द सिस्टम यूनिट ऑन अ कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसिस तो ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव थे अब हम अपना इन ऑबजेक्टि ऑब्जेक्टिव को वन बाई वन स्टडी करेंगे फर्स्ट थिंग इज़ सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट इज़ द केस दैट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कम्प्यूटर यूज़ टू प्रोसेस डेटा तो अगर हम अपनी इस डेफिनेशन को देखें तो सिस्टम यूनिट क्या है एक केस है जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं तो अगर हम अपने सिस्टम यूनिट को देखें लेट सी जैसे कि आपको यहाँ पर जो है ये लैपटॉप कंप्यूटर नज़र आ रहा है तो लैपटॉप कंप्यूटर की जो है आपके पास ऊपर इसकी क्या नज़र आ रही है आपके पास एक स्क्रीन है इसकी तो ये स्क्रीन क्या है ये स्क्रीन तो आपको ओवरऑल डिस्प्ले शो करी लेकिन अगर आप इसके नीचे वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा सिस्टम यूनिट रिजाइड कर रहा है इस तरह से अगर आप डिफरेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग देखें तो इसका सिस्टम यूनिट कहाँ कहाँ रिसाइड कर रहा है आपको एरो के थ्रू पॉइंट किया गया है जैसे कि अगर आप इस कैमरा को देखें तो इसका सिस्टम यूनिट जो है यहाँ इस पोर्शन में रिजाइड कर रहा है इस तरह से अगर आप अपने इस मोनीटर मोनीटर स्क्रीन को देखें तो इसका सिस्टम यूनिट कहाँ है इस बॉक्स में कंटेन कर रहा है तो इस तरह से जिस डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उनका सिस्टम यूनिट जो है डिफरेंट प्लेसेस में रिजाइड कर रहा होता है उनका स्ट्रक्चर उनका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है उन डिवाइसेस के अकॉर्डिंग तो इस तरह से आपको बताया कि सिस्टम यूनिट क्या है कि ऐसा केस है दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होंगे कि वो कंपोनेंट्स जो बाईपासिंग सम फ्रंट के थ्रू जो है उनमें डिफरेंट वर्किंग जो है परफॉर्म की जा रही है दैट यू दैट आर यूज टू तो प्रोसेस था डेटा अब डेटा कौन सा है जो भी डेटा आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा आपके सिस्टम यूनिट में सिस्टम यूनिट क्या करेगा उन डिफरेंट डेटा को जो है आप एंटर कर रहे हैं उसको प्रोसेस करेगा उसको प्रोसेस करने के बाद उसको यूजफ़ुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और एज रिजल्ट आपको वो रिक्वायर्ड डेटा जो है वो रिट्रीव हो जाएगा तो इस तरह से हमारा ओवरऑल सिस्टम यूनिट जो है वो पूरे कंप्यूटर को हार्डवेयर डिवाइसेस को या डिफरेंट सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है और उन पर वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है द इनसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट ऑन अ डेस्क टॉप पर्सनल कंप्यूटर इनक्लूड्स ड्राइव बेस पावर सप्लाई साउंड कार्ड वीडियो कार्ड प्रोसेसर एंड मेमरी तो अगर आप अपने सिस्टम यूनिट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास क्या होंगे ड्राइव बेस नेक्स्ट थिंग इज़ पावर सप्लाई ओके पावर सप्लाई के बाद अगर आप नेक्स्ट थिंग देखें तो इसमें क्या होगा कि साउंड कार्ड्स जैसे कि आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया हुआ है साउंड कार्ड ठीक है ड्राइव बेस ओके पावर सप्लाई ठीक है प्रोसेसर जैसे कि यहाँ पर इंटेल का आपको प्रोसेसर दिखाया गया है और इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि मेमोरी तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं और उन पर डिफरेंट वर्किंग को परफॉर्म किया जा रहा होता है नेक्स्ट थिंग इज द मदर बोर्ड द मदर बोर्ड इज़ द मेन सर्कट बोर्ड ऑफ दिस्टम यूनिट अ कम्प्यूटर चिप कंटेंट द इंटीग्रेटिड सर्कट्स अगर आप इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है यह आपके पास क्या है मदर बोर्ड मदर बोर्ड के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कम्पोनेंट जो है वो मिलकर ओवरऑल वर्किंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस तरह से आपको बताया हुआ है कि कंप्यूटर चिप क्या है जिसमें डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्कट्स होते हैं इंटीग्रेटेड सर्कट्स क्या होते हैं छोटे छोटे सर्कट्स होते हैं जो कि मिलकर ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं जिनके जिनमें से डेटा पास हो रहा होता है और उन पर प्रोसेसिंग हो रही होती है मदर बोर्ड को मेन बोर्ड सर्किट बोर्ड क्यों कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर हमारे ओवरऑल कंपोनेंट्स जो हैं सिस्टम यूनिट के वो रिज़ाइड कर रहे होते हैं किस तरह से रिज़ाइड कर, 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 कर रहे होते हैं वो सिर्फ रिज़ाइड नहीं कर रहे होते बल्कि मदर बोर्ड क्या है कि ओवरऑल उनके फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट करके उसको कंट्रोल कर होता है मदरबोर्ड का काम क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट से जितनी भी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उनको समझना उनको अंडरस्टैंड करना और कंप्यूटर के उस मेन कंपोनेंट तक उस जो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो उसको रिसीव हुई है वहाँ तक लेकर जाना और उसको प्रोसेस करवाना मींस दैट ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करना किसका काम है मदरबोर्ड का काम जिस में किस तरह से हो रहा है कि आपके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट होकर उस एक सिंगल वर्क जो आपको असाइन किया गया या एक सिंगल टास्क जो है कंप्यूटर को असाइन किया गया उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह से क्या हो गया है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब मिल कर मदर बोर्ड जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है तो इस तरह से मदर बोर्ड जो क्या है हमारे पास मेन बोर्ड भी इसको कहा जा सकता है ये हमारे पास सर्कट बोर्ड भी है या मेन सर्कट बोर्ड है क्यों मेन सर्कट बोर्ड है क्योंकि हमारे कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट जो है इस सिंगल बोर्ड पर रिलाई कर रहे होते हैं नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रोसेसर द प्रोसेसर प्रोसेसर जैसे इसके ने नेम से ही शोर है प्रोसेसर मीन्स दैट कि कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहा गया है कि एक सेंटर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि इस सेंटर पर आपकी ओवरऑल वर्किंग जो है कंट्रोल की जा रही है इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स आ कंप्यूटर अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया उनको कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है वो प्रोसेसर कर रहा है प्रोसेसर कंट्रोल कंटेंट्स सा कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अब देखें अगर आप प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर को जो दो मेन प्रोसेसर जो हैं उसमें वर्क कर रहे हैं वो कौन से हैं कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट और एरथैटिक लॉजिक यूनिट इनको इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है तो प्रोसेसर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स में आ जाते हैं जिसमें मल्टी कोर प्रोसेसर आ जाता है डोल कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर मल्टी कोर प्रोसेसर को देखें तो मींस दैट आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब वर्क कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर मीनस दैट टू प्रोसेसर आर वर्किंग एट द सेम टाइम ऑन द सिंगल टास्क क्वाड कोर प्रोसेसर इसी तरह से जो है आपके पास वर्क कर रहा होता है यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर मिलकर जब वर्क करते हैं तो वो कौन से आपके पास हो जाते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि मल्टी कोर प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर किस तरह से इसको बताया हुआ कि अगर आप मल्टीपल कोर प्रोसेसर यूज़ करेंगे मीन्स दैट उस सिस्टम के अंदर डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटीज एज़ कम्पेयर टू वन और टू प्रोसेसर ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा प्रोसेसर होंगे उतना ही सिस्टम एफिशिएंट होगा और उतना ही जल्दी डेटा को प्रोसेस करके जो है फ़र्दर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस तरह से अगर आप कोर को, को देखें तो मीन्स दैट एट अ टाइम फोर प्रोसेसर जो है आपके वर्क कर रहे हैं उस एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पर तो क्या है कि मल्टी कोर मीन सेट आपने उसकी कैपेबिलिटी को इतना इन्हांस इतना इनक्रीज़ कर दिया है कि वो मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो मिलकर उस एक सिंगल डेटा को या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करें और आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करें तो इस तरह से प्रोसेसर जितने ज़्यादा आप इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज होती जाएगी नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रोसेसर आपका वर्क किस तरह से कर रहा होता है इस डायग्राम के थ्रू आपको प्रेजेंट किया गया है फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगा कि इनपुट डिवाइसेस कोई भी इनपुट डिवाइस आप यूज़ करेंगे चाहे वो आपका कीबोर्ड हो या माउस हो या कोई भी ऐसी इनपुट डिवाइस उसके थ्रू आप क्या करेंगे डेटा को कंप्यूटर में एंटर करेंगे ठीक है डेटा क्या हो गया सबसे पहले कहाँ एंटर हुआ डेटा मेमोरी में ठीक है जिस तरह से आपका डेटा मेमोरी में एंटर हो तो उसके बाद क्या होगा कि डेटा और इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जो है उसको प्रोसेसर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा उस डेटा को तो वहाँ पर क्या होंगे कंट्रोल यूनिट और रिथोमेटिक लॉजिक यूनिट ये दोनों यूनिट्स जो है मिलकर आपके डेटा को प्रोसेस करेंगी उसके बाद डेटा क्या होगा अगेन मेमोरी में आएगा और मेमोरी में मेमोरी से होता है उस डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाएगा उसमें आपके स्टोरेज डिवाइसेस जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं या तो आपके कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर कर दी या फिर कोई आउटसाइड पर आपके स्टोरेज डिवाइस वहाँ पर आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा नेक्स्ट थिंग इस क्या है कि जैसे ही वो डेटा प्रोसेस हो गया वो मेमोरी से बाहर आया तो वो आपके पास क्या हो गया वो आपकी इंफॉर्मेशन बन गई उस इंफॉर्मेशन को क्या किया गया कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है आउटसाइड द वर्ड यानी कि यूज़र को व्यू कर दिया गया तो इस तरह से ओवरऑल सर्कल आपको बताया हुआ कि किस तरह से प्रोसेसर जो है वो डाटा पर वर्क कर रहा होता है और उसको एनालाइज़ करके आपको व्यू किया जा रहा होता है तो इस तरह से क्या कि सबसे पहले आपके पास इनपुट डिवाइसेस थी इनपुट डिवाइसेस से डेटा क्या हुआ मेमोरी में एंटर हुआ मेमोरी में जैसे ही डेटा एंटर हुआ उसको प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजा गया प्रोसेसर के पास प्रोसेसर के पास क्या था कि कंट्रोल यूनिट था और एथेमेटिक लॉजिक यूनिट था अरेथेमेटिक लॉजिक यूनिट आप कब यूज़ करते हैं थे मीन्स डैट जब आपने कोई भी अरेथेमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन ऑपरेशंस को आपने यूज़ करा तब आप क्या करते हैं कि रिथेमेटिक लॉजिक यूनिट को यूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरह से क्या हो कि एक स्टोरेज डिवाइसेस के पास डेटा गया और स्टोरेज डिवाइसिस ने उस डेटा को पर्टिकुलर डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर किया और रिजल्ट क्या हो गया आउटपुट डिवाइसिस के थ्रू यूज़र को व्यू कर दिए गए नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल यूनिट इज़ कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर दैट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन कंप्यूटर अगर आप कंट्रोल यूनिट को देखें इसकी हमें सिंपल सी एग्जांपल दें जैसे कि एक क्लासरूम है क्लासरूम क्या है कौन मैनेज कर रहा है उसमें टीचर मैनेज कर रहा है क्लासरूम क्या है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को मैनेज करना उनको डिफरेंट वर्किंग असाइन करना किसका काम है टीचर का काम है तो टीचर क्या कर रहा है टीचर एक्टर लाइक का कंट्रोल यूनिट तो क्या होगा कि टीचर क्या होगा कि उन मल्टीपल कंपोनेंट्स को उन मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोई ना कोई टास्क असाइन करेगा जिसको ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उस कंट्रोल यूनिट के अंदर उनको कौन कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट ठीक है उन तमाम सिस्टम्स को उन तमाम कंपोनेंट्स को टास्क असाइन किया जाएगा उनको मैनेज कौन कर रहा है कंट्रोल तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट क्या है कि वो मेन कंपोनेंट है जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है डिफरेंट ऑपरेशंस को जो कि हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहे हैं द नेक्स्ट थिंग इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है ए एल यू ए आर यू क्या है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इट परफॉर्म द अरिथेमेटिक कंपेरिजन एंड अदर ऑपरेशन देखें अगर आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जो डिफरेंट कंपेरिजनस आपने परफॉर्म करने हैं तो तब आप कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे होंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो इस तरह से क्या है कि प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये दो मेन कंपोनेंट जो हैं ये मिलकर ओवरऑल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसकी पूरी प्रोसेसिंग को देख रहे होते हैं तो इस तरह से क्या है कि प्रोसेसर जो है वो जितने भी टास्क हम उसको प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो वो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा उसको रिसीव करेगा और उसके प्रोसेसर उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा जैसे उस पर वर्क हो जाएगा तो वो क्या होगा वो डेटा हमारे पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी और वो एज रिसीव्ड uh, एज़ इंफॉर्मेशन टू द यूजर जो कि यूज़र के लिए यूज़फुल डाटा होगा जो कि उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी जिसके लिए यूज़र ने डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया था फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन अ प्रोसेसर रिपीट्स अ सेट ऑफ फोर बेसिक ऑपरेशन विच कम्प्राइज अ मशीन साइकिल अब देखें हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आ गए कि मशीन साइकिल है क्या अब देखिए अगर आप मशीन साइकिल की हम बात करें मशीन साइकिल क्या है कि वो फोर मेन स्टेप्स हैं जिन पे हमारा प्रोसेसर जो है वो वर्क कर रहा है उन फोर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए ठीक है वो फ़ोर ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और किस तरह से उन पे वर्किंग हो रही है आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है सबसे पहले आपके पास क्या होगा इसको अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है फैच करना सबसे पहले हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर क्या है उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा उसको कहाँ से फैच करेगा किसी ना किसी इनपुट डिवाइस से तो फैच करने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है स्टेप डिकोड करना अब आपने जो इंस्ट्रक्शन फैच की जैसे कि आपने कोई ना कोई इमेज प्रोवाइड कर दिया है या कोई ना कोई आपने एंट्री कर दी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है थीके? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको पता क्या हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी एट तो यूज़र ने तो अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको एंटर कर दिया अब उसको ये कंप्यूटर का काम है कि उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उस पर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके तो उसके लिए मेन स्टेप क्या है कि उसको इंस्ट्रक्शन को एक ऐसी फॉर्म में डिकोड करना जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके तो सेकेंड स्टेप आपके पास क्या आ जाता है उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना तो ये किसका काम है प्रोसेसर का ठीक है नंबर थ्री पे आपके पास क्या आता है कि उसको एग्जीक्यूट करना तो वो भी किसका काम है प्रोसेसर का काम है पहले उसको डिकोड किया और उसको एग्जीक्यूट किया तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल यूनिट और रथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिल कर इस पर वर्क कर रहे हैं जैसे ही उसको एग्जीक्यूट कर लिया एग्ज़ीक्यूट करने के बाद आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट बदल सके हंड्रेड को फ़ोटी एट से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आ गया फोर्टी एट हंड्रेड ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया कि वो एग्जीक्यूश एग्जीक्यूशन हो गया और एग्जीक्यूशन किसने की लॉजिक यूनिट ने क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन था तो स्टेप फोर में क्या था हमारे मशीन साइकिल का जो लास्ट स्टेप और स्टेप फोर है वो क्या है हमारे पास स्टोर स्टोर कर लेना उस इंस्ट्रक्शन को रिज़ल्ट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर लें ताकि हम इन फ्यूचर उस सिस्टम को उस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकें तो यहाँ पर हमें क्या बताया है? कि साइकिल जो है उसके फोर मेन स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप क्या है उसको फेस्ट करना सेकंड उसको डिकोड करना थर्ड एग्जीक्यूट करना और फोर्थ स्टेप क्या है उसको स्टोर करना उस डाटा को उस इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना तो क्या आपको बताया हुआ है कि प्रोसेसर में क्या हो रहा है क्या है और इंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए क्या कर रहा है प्रोसेसर चार ऑपरेशन्स को परफॉर्म करें अब आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी कोई भी डेटा हमेजन इनपुट अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो प्रोसेसर क्या करेगा इन फ़ोर स्टेप्स को इन फोर ऑपरेशन्स को परफॉर्म करेगा जिसके थ्रू आपके पास आउटपुट में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास मोस्ट करंट पर्सनल कंप्यूटर सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग प्रोसेसर प्रोसेसर बिगेन्स फैचिंग सेकंड इंस्ट्रक्शन बिफोर इट कंप्लीट्स द मशीन साइकिल फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ठीक है अगर आप इस मशीन साइकिल को देखें तो जब आपके पास विदाउट पाइपलाइनिंग टेक्निक यूज़ हो रही तो आपके पास क्या है कि फैच टिकोड एग्जीक्यूट ठीक है अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर ये ऊपर आपके पास बताया हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया इंस्ट्रक्शन को फ़ैच किया फिर उसको डिकोड किया गया उसको एग्जीक्यूट किया गया स्टोर किया गया तो मशीन की साइकिल एक कम्प्लीट हुआ तो उसके बाद आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन टू रिसीव हो रही है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तो अगर आप पाइपलाइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है कि आपके पास अभी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया आपने प्रोसेसर ने क्या किया कि एक और इंस्ट्रक्शन को फ़ैच कर लिया अभी वो भी कंप्लीट नहीं होती तो आपके पास इंस्ट्रक्शन थ्री आ गई तो इस तरह से पाइप लाइनिंग टेक्निक के थ्रू क्या है क्या आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम फैच करके उसको एक्ज़ीक्यूट कर सकते हैं तो क्या है ये आपके पास पाइप लाइनिंग टेक्निक है क्या आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शनस को एट अ टाइम अपने प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करवा सकें तो ये क्या है आपके पास मशीन साइकिल है जिसमें पाइप लाइनिंग टेक्निक यूज़ हो रही है अगर आप पाइप लाइनिंग टेक्निक यूज़ नहीं करते तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन फेच हुई उसको फिर डिकोड किया गया उसको एक्जिक्यूट किया गया उसको स्टोर किया गया उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे उसको डिकोड करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे और स्टोर करेंगे ठीक है तो पाइप लाइनिंग टेक्निक्स के हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हम ऐट अ टाइम एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं मोस्ट ग्रंट पर्सनल कंप्यूटर स्पोर्ट पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग क्या है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं बिफोर कम्प्लीटिंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ठीक है इस तरह से क्या होगा कि जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होगी तब तक जो है हमारे सेकेंड और थर्ड इंस्ट्रक्शन भी अपने सेकेंड थर्ड फेज तक पहुँच चुकी होंगी तो क्या होगा कि हम टाइम को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रोसेसर कंटेंट्स रजिस्टर टेम्परली होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या करेंगे आपका कोई भी डेटा जो है आपने अपने सिस्टम में एंटर किया तो वो क्या करेंगे उस डेटा को फॉर द टाइम बिंग उसको स्टोर कर लेंगे और फर्दर उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाएगी दिस्टम क्लॉक सिस्टम क्लॉक की बात की जा रही है यहाँ पर दैट कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ आल कम्प्यूटर ऑपरेशन अब देखिए आपके पास कोई भी ऑपरेशन कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर की तो कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है उसकी टाइमिंग पर वर्क कर रहा है मोस्टली तो कंप्यूटर जो है मिली सेकेंड में आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है तो सिस्टम क्लोक ओवरऑल टाइमिंग को देख रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एंटर हुई थी इसने ओवरऑल इस पर कितना टाइम लगेगा और उसके बाद हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एंटर करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में द पेस ऑफ द सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड एंड इट इज़ मईर्ड इन गीगा हर्ट्स अब देखें अगर आप अपने सिस्टम क्लॉक को मैयर कर रहे हैं तो ये गीगा हर्ट्स में आप इसको इसकी स्पीड को मैर कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ द प्रोसेसर आपके पास जो है कौन कौन सी जो है टाइप्स हैं उनके नेम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और उसकी क्वालिटी और उनके मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ कौन कौन सी हैं द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसर चिप आर इंटेल एंड एम डी अगर आप इसमें डायग्राम में, में देखें तो आपके पास यहाँ पर बताया बताएं कि सर्वर के लिए आपके पास कौन कौन से प्रोसेसर हैं और इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेस्क कंप्यूटर के लिए और नोटबुक कंप्यूटर के लिए उसके साथ ही आपको उनके नेम्स और उसके अवेलेबिलिटी को बताया हुआ है और उनके कम मैनुफेक्चरर जैसे कि इंटेल और ए ये दो मेन मैन्युफैक्चरर हैं जो कि प्रोसेसर को डिज़ाइन कर रहे हैं डिटरमाइन हाउ यू प्लान टू यूज़ अ न्यू कंप्यूटर बिफोर सेलेक्टिंग आ प्रोसेसर तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपके पास गाइडलाइनिंग एक प्रोवाइड की गई है कि आपने कौन सा प्रोसेसर जो है किस परपज़ के लिए यूज़ करना जैसे कि आपको बताया कि कोर आई सेवन इस डायग्राम में देखें तो कोर आई सेवन क्या है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कोर आई थ्री से डिफरेंट होगी यानि कि कोर आई सेवन जो है वो ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होगा एज़ कंपेयर टू कोर आई थ्री तो क्या होगा कि आप अपना कोई भी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर आप परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उसके जो है प्रोसेसर स्पीड को चेक करेंगे ताकि जो है आप एक से ज़्यादा टास्क जब परफॉर्म करें तो कंप्यूटर की क्वालिटी को या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पर जो है कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट ना पड़े जो उसको जो है स्लो डाउन करते उसकी स्पीड को प्रोसेसर चिप जनरेट हीट देट कुड काज अ चिप टू बर्न अप अब देखिए आप जब भी उस पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें क्योंकि वो पूरा एक इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है उस पर डिफरेंट जो है आपके पास जो है इलेक्ट्रिक electric, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है जब डेटा पास हो रहा है डिफरेंट कंपनी तो वो अप हो जाते हैं ठीक है अगर वो ज़्यादा हीट अप हो गए तो वो क्या होगा कि वो चिप बर्न हो सकती है तो इसके लिए क्या होगा कि कोई ना कोई कूलिंग सिस्टम जो है आपका रिक्वायर्ड होता है तो उस पूरा ओवरऑल सिस्टम को कूल cool डाउन करने के लिए आपके पास क्या होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्क कर रहे होते हैं जिसमें आपके पास क्या है हीट सिंक्स लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी तो ये दो मेन चीज़ें हैं आपके पास आपके पास देखें आपको एक फ़ैन सा नज़र आ रहा होता है अगर आप उसको देखें ये देखें हीट सिंक इसको कहते हैं आपके पास ये हीट सिंक क्या है कि आपके पास एग्जॉस्ट फैन की तरह वर्क कर रहा होता है आपके ओवरऑल जो है प्रोसेसर को जो है हीट अप होने से बचा रहा होता है और इसके अलावा आप लिक्विड कोलिंग एक टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जैसे कि आप सेकंड वाली डायग्राम को देखें तो इसमें आपको शो किया जा रहा है कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या करते हैं अपने प्रोसेसर को कूल cool डाउन रखते हैं ठीक है उसकी जो है हीट को कम करने के लिए आप ये दो मेन चीज़ें जो है एडिशनल कंपोनेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं हमारे मदरबोर्ड पे ताकि हमारे चिप जो है हमारे वो बर्न अपना हो। नेक्स्ट क्या है कि पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है जिसमें जो है मल्टीपल प्रोसेसर सिंगल टाइम में एक साथ वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो एक सिंगल प्रोग्राम और टास्क को एग्जीक्यूट कर सकें पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है कि आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली टू एग्ज़ीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम और टास्क अगर आपके पास एक सिंगल प्रोग्राम और टास्क है उसके ऊपर जो है मल्टीपल प्रोसेसर उस सिंगल टास्क को डिवाइड कर लेते हैं और उसको एक मेन जो है प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा होता है तो इस तरह से मल्टीपल प्रोसेसर मिलकर एक सिंगल टास्क पे वर्क करते हैं तो वो काम जो है वो टास्क जो है हम उसको तो कम से कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम क्या कह रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग इन्वाल्वस हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर तो इस तरह से क्या होगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको क्या होगा कि एक कंट्रोल प्रोसेसर है आपके पास ऊपर और उसके अंडर जो है ये फोर प्रोसेसर जो है वो मिलकर वर्क कर रहे हैं और इन फोर प्रोसेसर के रिजल्ट्स को एट द एंड कंबाइन करके आपको एक सिंगल रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है कि किस तरह से मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो मिलकर एक सिंग परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट को कंबाइन करके आपको आउटपुट शो की जा रही है